फ्रेंड, आज के अपनी वीडियो में जानेंगे कि भारत की महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना भारतमाला प्रोजेक्ट पर अभी कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी बढ़ने वाली है। तो ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं। तो फ्रेंड, अपनी वीडियो में सबसे पहले जान लेते हैं कि भारतमाला परियोजना के तहत काम कितना होना था। यहाँ पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो 83,677 किलोमीटर हाईवे के कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर हुआ है और इसके दो फेज़ में बांटा हुआ है। फेज़ वन 34,800 किलोमीटर का यहाँ फेज़ वन है और ये दिसंबर 2022 तक इसकी टारगेट डेट थी कंप्लीट होने की। हालांकि अभी कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम है, वो अभी अपनी वीडियो में आगे देख लेंगे कब तक कंप्लीट होना है ये। तो जो फेज़ वन है इसके अंदर 10,000 किलोमीटर जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्लान था NHDP का वो भी इंक्लूड है। फेज़ वन की टोटल लेंथ यहाँ पर 24,800 किलोमीटर रखी गई थी लेकिन 10,000 किलोमीटर NHDP का यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। तो 34,800 किलोमीटर की इसकी लेंथ है फेज़ वन की। और इसके बाद फेज़ टू इम्प्लीमेंट होना था जो कि 48,877 किलोमीटर के हाईवे कंस्ट्रक्ट होने थे फेज़ टू में और ये 2024 तक कंप्लीट होना था फ्रेंड। और यहाँ पर यदि कॉस्ट की बात करें तो फेज़ वन का जो कॉस्ट है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5,34,000 रुपीज़ की इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी जो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। वो भी वीडियो में देख लेंगे कि अभी कॉस्ट कितनी बढ़ गई है इस प्रोजेक्ट की। तो भारतमाला प्रोजेक्ट्स का अभी स्टेटस क्या है? तो भारतमाला प्रोजेक्ट फेज़ वन जो है ये लगभग 4 साल डिले होने वाला है फ्रेंड। 2022 की बजाय ये दिसंबर 2026 तक कंप्लीट होगा ऐसी संभावना है। तो अक्टूबर 2020 को जो गवर्नमेंट ने डाटा दिए थे उसके हिसाब से अभी तक 2,921 किलोमीटर्स हाईवे का कंस्ट्रक्शन फेज़ वन में हुआ है अगेंस्ट 14,800 किलोमीटर के। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रेटिंग एजेंसी इकरा, तो इकरा जो रेटिंग एजेंसी है उनका अनुमान है कि जो फेज़ वन है वो 2026 तक पूरा होगा फ्रेंड्स। और उसके लिए भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? यदि 2023 तक सभी कॉन्ट्रैक्ट्स हाईवेज़ के अवार्ड हो जाते हैं तो भी ये 2026 तक पूरा होगा। ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। विल द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग भारतमाला फेज़ वन वाज फर्स्ट एस्टिमेटेड एज रुपीज़ 5.35 लाख करोड़, इट हैज़ नाउ स्पाइरल टू 8.5 लाख करोड़। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो कॉस्ट है वो लगभग यहाँ पर 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है। कारण क्या है? लैंड एक्विजिशन में जो डिले हुआ है और जो कोविड की प्रॉब्लम रही है उसकी वजह से यहाँ पर जो टाइम डिले रहा है उससे यहाँ पर कॉस्ट बढ़ी है इन्फ्लेशन की वजह से। द एवरेज कॉस्ट ऑफ अवार्ड, जो यहाँ पर अवार्ड्स हुए हैं अब तक उनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो 23.8 करोड़ पर किलोमीटर की है, जबकि जो एस्टिमेट दिया था इन्होंने 5.35 लाख करोड़ का वो 15.5 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से दिया था। और वहाँ से अब ये कॉस्ट 23.8 करोड़ पर किलोमीटर हो चुकी है। और फ्रेंड, इस हिसाब से जो खर्चा होगा वो 8.5 लाख करोड़ रुपये का होने वाला है और ये कॉस्ट आने वाले टाइम में यहाँ पर इंक्रीज भी हो सकती है, जैसे कि अभी इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है इंडिया के अंदर। तो फ्रेंड, ये अभी स्टेटस है भारतमाला प्रोजेक्ट का फेज़ वन का। फ्रेंड, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।